हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ रेडमी की तरफ से आने वाला अपकमिंग डिवाइस जो कि नोट सीरीज का होने वाला है, रेडमी नोट 10 प्रो। ऐसे में दोस्तों इसके बारे में बहुत सारा जानकारी जो है बाहर आ चुका है, जैसे कि एक इमेज भी आया है, उस इमेज को भी आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ मॉडल नंबर भी जो है निकल के आ चुका है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। उस हिसाब से चाइना की कुछ वेबसाइटों में जो है बहुत सारा लीक्स आया है जो कि आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इस मॉडल नंबर के बारे में। तो ऐसे में दोस्तों कुछ मॉडल नंबर जो है उठ के आ चुका है, जैसे में कि आपको दिख रहा है Xiaomi का एक है 22M2002, उसके बाद J9E, ये जो है ये एक डिवाइस है पोको F2 और दूसरा है पोको F2 प्रो। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं Xiaomi का एक और डिवाइस दिख रहा है MTSB11XUN जो कि होने वाला है Redmi Note 10 Pro। ऐसे में दोस्तों Redmi Note 10 Pro क्यों बता रहा हूँ, Redmi Note 10 क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियोस को अंत तक देखना। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एक इमेज से। एक इमेज आया है जो कि आपको मैं सबसे पहले तो दिखाना चाहूंगा, ये इमेज जो है बहुत ही जबरदस्त है। तो ऐसे में दोस्तों एक इमेज देख रहे हो जिसमें बताया जा रहा है भाई ये जो है Redmi Note 10 Pro है। तो ऐसे में क्यों बता रहा है भाई, इसमें जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो मिल रहा है बहुत ही अच्छा ही है। साथ ही साथ दोस्तों पावर बटन में आपको जो है कैमरा मिलने वाला है, इस बार जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, मुझे तो ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि पैटर्न जो है अलग अलग चेंज होकर आता ही है Redmi Note सीरीज में। तो ऐसे में आपको अगर जानकारी पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करना। अभी बात करते हैं दोस्तों इस फोन के बारे में। तो ऐसे में डिस्प्ले होने वाला है 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 मिलने जा रहा है फ्रंट साइड एंड बैक साइड में। काला रोए जो है आपको काला देखने के लिए मिल गया है, MIUI 11 नहीं इस बार जो 12 मिलने जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है बहुत ही कुछ आपको देखने के लिए मिल गया, जैसे कि फिंगरप्रिंट जो है इस बार जो है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने जा रहा है, क्योंकि पावर बटन में जो है कैमरास दिया जा रहा है, तो इसलिए जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। बात करूं दोस्तों अभी परफॉर्मेंस के मामले में, तो ऐसे में परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये डिवाइस जो है प्रोसेसर मिलने वाला है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम की तरफ से 865, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर है। 8 नैनो पे काम करता है, 7 नैनो पे काम करता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्टाकोर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ इसमें एड्रेनो की तरफ से ग्राफिक कार्ड 640 जो कि काफ़ी पसंद है। और इसकी अगर बात करूँ और डिटेल्स की, तो इसमें एंड्रॉयड 10 तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको और भी कुछ जो है जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और बता दूं इसमें अगर बात करूं कैमरे की तरफ, तो ऐसे में कैमरा जो है इस बार पेंटा कैमरा नहीं फोर्थ कैमरा ही मिलेगा, मतलब पेंटा कैमरा भी बोल सकते हो, क्योंकि पावर बटन में जो है एक कैमरास मिल रहा है। ये जो होने वाला है ये होने वाला है 16 मेगापिक्सल की कैमरा। साथ ही साथ बात करो भाई रियर कैमरा की, रियर कैमरा जो है क्वाइट कैमरास होगा लेकिन 108 मेगापिक्सल के साथ आने वाला है। और साथ ही साथ दूसरा कैमरा आएगा अल्ट्रा वाइड टेलीफोटोस माइक्रो लेंस के साथ। बात करो फ्रंट साइड कैमरे की दोस्तों, तो फ्रंट साइड कैमरा जो है 32+2 मेगापिक्सल की कैमरा मिलने वाला है, इसका प्राइस जो है बहुत ही हाई होने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं दोस्तों बैटरी की तरफ, तो ऐसे में बैटरी जो है बहुत ही अच्छा और जबरदस्त देखने के लिए मिलेगा, 4000 नहीं इस बार जो है ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, 5000 एम्पीयर की बैटरी मिलेगा जो कि काफी पसंद है। और साथ ही साथ इसमें फास्ट चार्ज भी बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे में 64 वाट का जो है फास्ट चार्ज आने वाला है। तो आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर बताना, इसका प्राइस कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है भाई 40 से 45 हज़ार की बीच जो है इस बार होने वाला है। तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो पसंद आया जल्दी से जल्दी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।